हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड टेक आर्ट में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली सोलोमन फ्रेजर के बारे में, ये ड्रामा कैसा है, आपको इस पे टाइम देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली दफा आया तो जाओ सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात कर चाहिए ड्रामे के बेसिक्स के बारे में, तो ड्रामे को 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10, और ड्रामे के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने मिलते हैं जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे की रखी गई है। ड्रामा फ्रेंडशिप लव स्कूल लाइफ पे बेस्ड है। अब इस ड्रामे के अंदर आपको स्टोरी क्या देखने को मिलता है, तो इस ड्रामे के अंदर आपको स्टोरी देखने को मिलता है स्टूडेंट बुलिंग और सुसाइड के ऊपर। जैसे कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ली शुबो, अब वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। अब एक्चुअली में मतलब ली शुबो जो है सुसाइड किया या फिर एक मर्डर है, ये आपको ड्रामे के अंदर ही पता चलेगी। अब शिबू के डेथ के बाद स्कूल की जो माहौल होती है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। शिबू के दोस्त जिसका नाम होता है कोशी सियोन, अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के किस तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है, और क्या वो इसमें मतलब कामयाब हो पाती है नहीं हो पाती है, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स उन सभी को फेस करना पड़ता है इन दौरान, यही सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। अब अगर बात करें इस ड्रामे के बारे में, तो ड्रामे की जो डबिंग है बहुत ही अच्छी है। ड्रामे के अंदर आपको मल्टीपल स्टार कास्ट देखने को मिलता है, और इन सभी की जो स्टोरी है अपनी एक अलग अलग स्टोरी है, जो कि आपको इस ड्रामे से जुड़े रहने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ड्रामा 2016 की यानी कि ड्रामा ओल्ड है, लेकिन इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है इससे आपको थोड़ा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि यह ड्रामा ओल्ड है। ड्रामे के अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और साथ ही साथ जो स्टोरी प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा। अब जिस तरह से ये लोग उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे चल के जो ट्विस्टर आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल के अंदर हर किसी को पता है कि जो मतलब जो कांड हुआ है किसके वजह से हुआ है, जब आगे आकर के जो ट्विस्ट आती है वो सभी को चौंका देता है। इस ड्रामे से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे स्टूडेंट बुलिंग हो गया, सुसाइड से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ें इस ड्रामे के अंदर सीखने को मिलती है। ड्रामे के अंदर बहुत ही जबरदस्त फ्रेंडशिप बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट लाइफ मतलब किस तरह की होती है, और साथ ही साथ जो बुलिंग होती है स्कूल वगैरह में, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो यदि आप हाई स्कूल या फिर स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड एक ड्रामा देखना पसंद करते हो, तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ड्रामा बीच में जाकर थोड़ा सा कहीं कहीं पे वीक लगता है, लेकिन जो इसकी एंडिंग है वो आपको मतलब कनेक्ट करने में कामयाब होती है, जिसके वजह से ये ड्रामा अच्छा बन जाता है। अगर आप मुझसे पूछो कि आपको इस ड्रामे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो बिल्कुल हाँ, इस ड्रामे को एक बार जरूर देख सकते हो। और यदि आपने इस ड्रामे को देख लिया तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।